नीमच शहर में गुरुवार को स्वच्छता अभियान को लेकर नगरपालिका के तत्वावधान में मशाल रैली निकाली गई। मशाल रैली की शुरुआत शाम करीब 7 बजे 40 चौराहे से हुई। इसके बाद मशाल रैली पुस्तक बाजार होते हुए पुनः 40 चौराहा पहुंची, जहां उपस्थितों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करते हुए शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर विधायक दिलीप सिंह परिहार, नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति गौरव चोपड़ा, CMO गरिमा पाटीदार सहित नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी और बड़ी संख्या में शहरवासी मौजूद रहे। कृपया सभी मसाला इधर मंच के साइड में लिया है और सम्मान्य विधायक जी मंच पर आकर सभी को संबोधित कर रहे हैं। नगर पालिका अध्यक्ष जी कृपया 2 मिनट सभी मसाले रखे इधर मंच पर सामने बैठ जाएं। इसमें हम चाहते हैं कि सब मिलकर हमारा साथ दें, गीले और सूखे कचरे को अलग अलग रखें, सम्मान्य विधायक जी में ही डालें, और हम चाहते हैं कि हमारा शहर स्वच्छ और सुंदर बने। आज सारे नगर मध्य प्रदेश के नगर पालिका नगर पंचायतों में महानगरों में स्वच्छता के इवेंट्स के लेकर या जीरो इवेंट्स को लेकर यह जागरूकता मशाल रैली निकाली जा रही है। हम सब देख रहे हैं कि योग के संबंध में देश की में जब देश के प्रधानमंत्री जी ने एक संदेश दिया था, आज वही स्वच्छता के संबंध में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब और नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी ने जीरो इवेंट्स का जो संदेश दिया है, हम आज मशाल हाथ में लेकर नगर के प्रमुख मार्गों पर मशाल जुलूस निकाली। जनता से ये अपील करिए प्लास्टिक का उपयोग ना करें, नगर पालिका की गाड़ी में ही कचरा डालें और स्वच्छता को लेकर हम ये संकल्प लें कि हम आने वाले समय में नीमच को नंबर 1 बनाएंगे। नगर पालिका के कर्मचारी नीमच को स्वच्छ बनाने में हमारे सफाई कामगार भाई और बहन लगातार लगे रहते हैं, मगर हम सब लोगों का भी ये दायित्व है कि इस पूरी तौर कार्य में हम भी लगे और नीमच को नंबर 1 बनाए। जीरो इवेंट्स के माध्यम से नीमच आने वाले समय में स्वच्छता के संबंध में नंबर 1 बने, इसके लिए ये मशाल यात्रा जन जागरण के लिए निकाली गई है। निश्चित 2023 में हम इस संकल्प को पूरा करें। नीमच से अब्दुल अली डानी के साथ पवन राव शिंदे की रिपोर्ट।